if you want to grow by the double economic growth then it is necessary that our counter half will be participating into our development this is the quotation given by gandhi ji kehne ka matlab ye tha unka ki agar hum double rate se grow karna chahte hain to bahut zaruri hoga ki hamara counter half bhi participate kare i am talking about the women and now it comes to legislation किसी के economical participation के अंदर अगर हम double rate से grow करना चाहते हैं तो definitely हमारे counter half को तो participate करना चाहिए

वुमेन्स का लॉ मेकिंग के अंदर रिजर्वेशन जी हाँ वुमेन्स का लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर रिजर्वेशन से रिलेटेड ये बिल था अब आपको इसके बारे में सब कुछ जो भी जानने की नीड है आपके एग्जाम के परस्पेक्टिव से आप एक लेमेन हैं जिसको ये पता होना चाहिए कि इंडिया के अंदर वुमेन के लिए रिजर्वेशन की बात हो रही है उसमें क्या आया है तो डेफिनेटली दिस इज फॉर यू तो यहाँ पे सबसे पहले बात की गई है कि हम अपने वुमेन्स के लिए क्या करें रिजर्वेशन को प्रपोज किया गया बिल जो है पास हो चुका है पार्लियामेंट के थ्रू पार्लियामेंट में आपको पता है दोनों हाउस होते हैं लोकसभा एंड राज्यसभा बिल दोनों से पास हो चुका है और अगर मैं ये बोलूं कि राज्यसभा में सिर्फ दो वोट बिल के अगेंस्ट थे बाकी सारे वोट बिल के फेवर में थे ये एक हिस्टोरिकल अचीवमेंट है कि किसी भी गवर्नमेंट के अंदर इतना हिस्टोरिकली अचीवमेंट ले पाना कि बिल के ऑलमोस्ट सभी जो आपके कैंडिडेट है वो फेवर में हो ये काफी इंपोर्टेंट हो जाता है तो आई विल से यस वुमेन इंपावरमेंट के लिए एक रेजिस्टेबल बिल जो है ये आया पार्लियामेंट में ऑल दो हमारे पार्लियामेंट में डिवाइड को मिलता है अगर कोई गलत चीज है उसको अपोज किया जाना चाहिए, एक होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे उन फ्रेगमेंटेशन के बावजूद भी आपका क्या देखने को मिला एक यूनिफाइंग फोर्स देखने को मिला जो वुमेन को एम्पॉर होते हुए यहाँ पे देखना चाहता है यहां पे क्या हुआ

सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ इन्फ्लुएंस हो रहा है अगर तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ऐसे भी हो सकती है कि मेजोरिटी आपकी फेवरेटिजम से दोनों ही हाउस में बिल पास हो जाए और बाद में प्रेसिडेंट का असेंट मिले लेकिन कुछ बिल ऐसे होते हैं जो स्टेट को भी इन्फ्लुएंस करते हैं जैसे कि वुमेन रिजर्वेशन बिल इसमें क्या, क्या क्या गया सेंटर पे भी आपका रिजर्वेशन होगा थर्टी थ्री परसेंट सीट का वुमेन्स के लिए लोकसभा में और आपकी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में भी आपका क्या होगा रिजर्वेशन होगा आप स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में होगा अब ये बिल क्या जाएगा स्टेट्स के पास जाएगा स्टेट अगर इसको फेवर करते हैं तो फिर ये क्या होगा प्रेसिडेंट के पास आ जाता है और प्रेजिडेंट पैनल साइन करते हैं तो ये बिल जो है वो बाद में बिल नहीं फिर कहलाता है, है? है? वोट देखे गए थे और ये बिल का नंबर अगर मैं बात करूं दिस इज वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी एट अमेंडमेंट बिल ठीक है तो लोकसभा के अंदर प्रेजेंट किया गया तो वैसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है इससे पहले भी हमारे लोकसभा के अंदर हमारे राज्यसभा के अंदर यह बिल जो है वो आ चुका है कब आ चुका है जैसे फर्स्ट टेबल किया गया था 1996 में तब इसको रिजेक्ट कर दिया गया था 1999 में दोबारा से इसको प्रेजेंट किया गया 2010 में फिर से प्रेजेंट किया गया लेकिन फाइनली अब ट्वेंटी के अंदर मैं बोलूंगा ये बिल जो है पास हो चुका है इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये कि इस बिल के पास होने के बाद आपको 33% थ्री परसेंट वुमेन्स को रिजर्वेशन मिलेगा लोकसभा में भी और स्टेट असेंबली में भी मतलब तो रियल लॉ मेकिंग की जब बात आती है देखिए बहुत सही बात है अगर वुमेन्स के लिए सभी लोग मिलकर डिसीजन ले रहे हैं मान लो हमारी पार्लियामेंट बहुत अच्छी है और वो एक अच्छा रूल बनाना चाहती है वुमेन्स के लिए बट स्टिल भी वुमेन का पार्टिसिपेशन तो बहुत जरूरी है ना ये तो कुछ ऐसा ही होगा कि हम किसी यूपीएससी के सिविल सर्वेंट अफ्लाइंट को पढ़ाना चाहते हैं और उनकी राय के बिना ही पढ़ाना चाहते हैं उनसे कुछ राय लेते ही नहीं है कोई फीडबैक नहीं लेते तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दैट्स व्हाई वुमेन का पार्टिसिपेशन क्योंकि वो बेटर पोजिशन को अंडरस्टैंड कर सकती है प्रॉब्लम्स को भी अंडरस्टैंड कर सकती है ठीक है अब इंपॉर्टेंट क्या है इंपॉर्टेंट ये है कि फाइनली ये बिल जो है अब टाइम पे पास हो चुका है और इस बिल के अंदर कुछ प्रोविजन हैं उससे पहले मैं बताना चाहूंगा किस कि सीक्वेंस में आपका बिल चला था अगर मैं बात करूं तो 12 1996, पहली पहली बार बार इस बिल को, पहली बार बिल को को पार्लियामेंट में लाया गया कि परसेंट सीट्स जो है वो रिजर्व की जाएंगी हुआ क्या पार्लियामेंट में लोकसभा में बिल आया देव गौड़ा जी की गवर्नमेंट थी उन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया इंट्रोड्यूस होने के बाद में गीता मुखर्जी के अंडर में एक पार्लियामेंट की की स्पेशल कमेटी बनी। कमेटी 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 बनी को को बताया गया कि आप बताइए इस बिल की कितनी फ़िज़िबिलिटी है है बनने के बाद दिसंबर अपनी रिपोर्ट को करती हो चुकी और आपका बिल जो है वो लैप्स हो जाता 11th लोकसभा के साथ में। क्या होता है बीजेपी की गवर्नमेंट एनडीए लेड गवर्नमेंट है अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बनते हैं सेकंड टाइम बिल यहां पे प्रपोज किया जाता है 2002 तक चलते चलते बिल फिर से लैप्स हो जाता है हाउस में फिर से खत्म हो चुका होता है 2004 यूपीए गवर्नमेंट वापस से बिल लेके आती है फिर टू में एक बार फिर से ट्राई किया जाता है एंड राज्यसभा पास करती है इवन नाइन्थ मार्च टू को और फिर ये बिल लोकसभा के लिए रेटिफिकेशन के लिए भेजा जाता है फिफ्टींथ लोकसभा जब बनती है वो बिल लैप्स हो चुका होता है और वो दोबारा से टेकअप नहीं करते हैं लेकिन फाइनली बिल को वापिस भी किया गया है लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों में आपके लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी बिल डेफिनेटली पास भी हुआ है अब ये बिल क्या होगा इट विल बी सेंट टू द स्टेट्स अगर हाफ ऑफ द स्टेट इस पर एग्री हो जाते हैं तो फिर प्रेजिडेंट के साइन के बाद ये बिल जो है आपका वो एक्ट बन जाएगा क्या प्रोवाइड होगा बेसिकली इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्लॉज क्या है

ये आपके इंट्रोड्यूस हुए थे उनमें चेंज होगा अब इसके अंदर ये कि ये सनसेट क्लोज है देखिए पहले बहुत बहुत सारे रिजर्वेशन आए उनमें सनसेट क्लोज होता था यहाँ पे भी है मतलब क्या होता है मतलब कितने टाइम के लिए ये रिजर्वेशन रहेगा क्या ये लाइफ टाइम रहने वाला है नहीं इस बिल का री तो मोटिव ये है कि 15 ईयर जो है ये रिजर्वेशन अवेलेबल रहेगा 15 साल के बाद में ऐसा नहीं कह रहा मैं ये बिल को हटा लिया जाएगा इस एक्ट को हटा दिया जाएगा और रिजर्वेशन लैप्स हो जाएगा हो सकता है उस टाइम पे वुमेन्स की जो भी कंडीशन होगी उसी हिसाब से उस बिल को एक्सटेंड भी किया जाए या फिर हो सकता है उसको रोक दिया जाए लेकिन फिलहाल के टाइम पे 15 ईयर जो है इसका सनसेट क्लोज जो है इसके अंदर ऑन किया गया है क्या होगा देखिए क्यों ऐसा किया गया मतलब इसकी डिमांड कब से चलती आ रही है और ये हमें क्यों नीड हुई कि हमें वुमेन के लिए रिजर्वेशन लाने की जरूरत है सबसे पहले तो प्री इंडिपेंडेंस से ही अगर मैं बात करूंगा आप ये देखिए आपने काफी बार सुना होगा सर जमींदारी सिस्टम हुआ करता था ब्रिटिश टाइम पे हैव यू एवर हियर

लेकिन क्या वो वुमेन और मेन का पार्टिसिपेशन कहीं इक्वलिटी दिखाता है नॉट एट ऑल तो डेफिनेटली उस टाइम से ही ये डिमांड चलती जा रही है फिर काफी सारी कमेटीज बनी थी जिन्होंने टाइम टू टाइम रिकमेंडेशन दी है टाइम टू टाइम काफी सारी रिपोर्ट्स के अंदर ये रिकमेंडेशन दिया गया 1955 में ये प्रपोजल दिया गया था कि टेन परसेंट रिजर्वेशन वुमेन के लिए कर दिया जाए फिर हम बात करेंगे नेशनल प्रोस्पेक्टिव प्लान की नेशनल प्रोस्पेक्टिव प्लान में वुमेन्स को 1988 के अंदर बोला गया कि 30 परसेंट रिजर्वेशन वुमेन्स को मिलना चाहिए पंचायती राज एक्ट आता है है 1993 के अंदर वहां पे भी बोला जाता है, और पंचायती राज में तो आपका है भी 33 जो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के अंदर आपका रिजर्वेशन होना चाहिए राज्यसभा के अप्रूवल की बात करें तो 2010 के अंदर जो बिल आया था राज्यसभा ने पास किया फिर वो लोकसभा में गया तो वो लैप्स हो चुका था बिल ये प्रॉब्लम आ गई थी बट स्टिल राज्यसभा ने भी इसका अप्रूवल दिया है मतलब डिमांड भी बड़े लंबे टाइम से चलती आई है हर एक आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने अलग अलग लेवल पे इसको रिकमेंड भी किया है पास भी किया है और प्रमोट भी किया है तो डेफिनेटली ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है सवाल ये है कि क्या क्या चैलेंजेस थे फीमेल के रिप्रेजेंटेशन में मतलब ऐसी प्रॉब्लम आई तो आई क्योंकि फीमेल का रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पा रहा था देखिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए जब भी हमें कोई पार्टी टिकट देती है उसके बाद ही इलेक्शन जो है हम लड़ सकते हैं पार्टी टिकट जब वुमेन्स को देगी ही नहीं तो वुमेन का पार्टिसिपेशन इलेक्ट होके आना तो वो बात की बात हो जाती है

एम्पर हो जाता है पार्टी अपना डिसीजन जो है बदल देती है कि कि आखिरकार देखो सबके मन में ये होता है यार पार्टी के कि हमें अपनी गवर्नमेंट बनानी है और अगर ये वुमेन को टिकट देंगे उनके मन में ये होता है कि वुमेन इज लेस प्रोबेबल कि वो जीत पाएंगी इसलिए उनको अपनी गवर्नमेंट बनाने में खतरा होता है तो वो टिकट अलाउट नहीं करते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चरल बैरियर स्ट्रक्चरल बैरियर का मतलब क्या होगा देखिए जब भी हम पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन करते हैं जब भी हम इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो ये आपका क्या होता है बहुत ही डिमांडिंग और टाइम कंज्यूमिंग टास्क होता है इलेक्शन कैंपेन करना और उसके साथ में फैमिली जो कि वुमेन के साथ हमेशा अटैच की जाती है उस केस में क्या फीमेल उस लेवल पे कैंपेन कर पाएंगी वो भी इम्पोसिबल होता है फिर वनडेबिलिटी की बात आती है मतलब वनडेबिलिटी में फीमेल का ह्यूमिलिएशन काफी ज्यादा होता है अब्यूज ज्यादा होता है थ्रेट ज्यादा मिलते हैं तो इसी वजह से वुमेन का पार्टिसिपेशन काफी चैलेंजिंग हो जाता है अपार्ट फ्रॉम दिस फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट देखिए अगर मैं यहाँ पे बात करू तो कैंपेनिंग की काफी ज्यादा कॉस्ट आती है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उसको डिफाइन करता है कि इससे ज्यादा खर्चा आप एक सीट पे नहीं कर सकते बट स्टिल इलीगल मनी यहाँ पे इन्वॉल्व होती है लेकिन वुमेन की जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है वो लिमिटेड लेवल पे ही होती है दैट्स वाई फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट जो है वो भी देखने को मिल जाता है फिर आता है आपका इंटरनलाइज्रियारिटी मतलब हम एक फैमिली में जब रहते हैं तो वहां पे भी मेल का जो है इंपॉर्टेंस फैमिली में ज्यादा रखा जाता है, की फैमिली अगर को है यहाँ पे सामने देखने को मिल जाता है अब मान लो ठीक है सभी चीजों को हमने देखा और हमने ओवरकम किया और हमारा बिल आ चुका और पास भी हो चुका है देखिए स्टेट से कोई बड़ा मैटर नहीं होता अब स्टेट के पास में बिल जाएगा

देखते हैं तो वहां पे वर्ष देखने को मिलता है एजुकेशन में लिटरेसी में वहां वर्ष देखने को मिलता है अब लेसलेटिव में भी वर्ष होगा आखिरकार कहीं ना कहीं तो हम पैरिटी ला पाएंगे तो वो एक अच्छी चीज होगी एक यूनिक स्किल डेवलप होगी एक लीडरशिप स्किल जिसको बोलते हैं वो वुमेन के अंदर यहाँ पे डेवलप होगी वेन दे विल एंटर इंटू पॉलिटिक्स और खासकर थर्टी दूसरा क्या होगा ये वुमेन के इंटरेस्ट को भी एडवोकेट करेगा आप एक असेंबली में बैठे हो जहां फाइव हंड्रेड पीपल है जिसमें से दो वुमेन है और फोर मेल है तो क्या आपको लगता है कि वुमेन के लिए बेटर आर्ग्यूमेंट ये कर पाएंगे इट्स पॉसिबल बेटर कि एटलीस्ट वुमेन का अच्छा खासा रिप्रेजेंटेशन हो और फिर और इंटीग्रिटी देखिए आप अगर किसी माहौल में रहते हैं अगर किसी फैमिली में भी रहते हैं वुमेन तो वहां तरीके से बात करते हैं तरीके से रहते हैं सेम सिनेरियो पार्लियामेंट का इस पर इवन सबसे ज्यादा है पार्लियामेंट घर से ज्यादा वर्स्ट लेवल पे काम करती है यू you नो know कि किस टाइप के स्पीच दिए जाते हैं और ये डेकोरम जो हाउस का है इवन मैं कहूंगा वो भी मेंटेन होगा तीसरा हमारी जो बेसिकली क्रिमिनलिटी है वो करप्शन है वो वो भी डेफिनेटली हमारा कंट्रोल में आएगा तो ये सब चीजें पॉजिटिव देखने को मिलेंगी मेरे को एक कंसर्न है इसके ऊपर शायद आप लोगों को भी होगा और मेरा कंसर्न ये है कि देखिए ऐसा ना हो कि जो वुमेन ऑलरेडी एम्पावर्ड है उन्हीं को ये एम्पावरमेंट का फायदा मिले और रियल में रिजर्वेशन का कोई खास असेंस देखने को ना मिले आई वुड रिक्वेस्ट कि यहाँ पे कुछ ऐसा इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए कुछ ऐसी लेयरिंग होनी चाहिए ताकि रियली जिन वुमेन्स को एम्पाट की रिक्वायरमेंट है उन्हीं का पार्टिसिपेशन यहाँ पे हो ऐसा ना हो कि जैसे हम इतने एस के लिए रिजर्वेशन देते हैं एस के लिए ओबीसी के लिए इनको रिजर्वेशन देते हैं और उनमें कई बार कुछ लोगों को पहले से रिजर्वेशन का, का काफी फायदा हो चुका है अच्छे पे वो हैं लेकिन स्टिल रिजर्वेशन का फायदा वही उठाते हैं तो ऐसा ना हो वो हमें मेंटेन करना होगा फॉर डाउनलोडिंग दिस पी यू कैन ज्वाइन कपिल भारद्वाज फॉर यू टेलीग्राम चैनल इफ यू वॉन्ट टू टॉक टू मी कपिल भारद्वाज फॉर यू इज इंस्टा हैंडल एंड कपिल भारद्वाज इस चैनल पे ही आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी मिल जाएगा तो इफ यू वॉन्ट टू कम एंड ज्वाइन दी व्हाट्सएप चैनल यू कैन डू सो ऑल द वेरी बेस्ट थैंक यू वेरी मच टेक केयर बाय बाय